बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अभी बस आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है, इसलिए आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। और इसके साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो व्यूअर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपनी आज की रेसिपी में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 किलो भिंडियाँ थी जिनको हमने वॉश करके कटिंग कर ली है। इसके अलावा प्याज, टमाटर, चिकन और बाकी स्पाइसेस थे। सबसे पहले हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हमने 2 बड़े कप कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। व्यूअर्स, भिंडियों को फ्राई करने के लिए इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है आपने, ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अभी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हुई, हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। ये देखें, हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। सो व्यूअर्स, देखें भिंडियाँ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, इनको हमने अब लैदा प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अब हम चिकन फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हमने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। 1/2 kg हमारे पास चिकन था, इसको हमने मिक्स करना अच्छे तरीके से। सो व्यूअर्स, 1 teaspoon हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक के अंदर आपने चिकन को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से तो आपने रोस्ट कर लेना। दो तीन मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाए और रोस्ट भी हो जाए। तो बस देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चिकन रोस्ट हो चुका है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद हमारे पास प्याज थे जिनको हमने कटिंग करके इनके अंदर ऐड किया। अब हम प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम टमाटर और बाकी की स्पाइसेस से जो वो ऐड करेंगे। 3 अदद हमारे पास टमाटर थे जिनको हमने कटिंग कर लिया था। सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। लंबी कटी हुई हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। सो व्यूअर्स, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक हमने इसके अंदर पहले भी ऐड किया था, मगर वो चिकन को रोस्ट करने के लिए ऐड किया था, वो कम था, इसलिए मैंने इसके अंदर 1/2 teaspoon इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 teaspoon मैं इसके अंदर रेड मिर्ची ऐड करूंगी। 1/2 teaspoon इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1 teaspoon इसके अंदर साबुत जीरा जाएगा। और 2 tablespoon इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा, साबुत सूखा धनिया जिसको मैंने हाथों के साथ मसल लिया था। सो व्यूअर्स, स्पाइसेस हम इसके अंदर सारे के सारे ऐड कर चुके हैं। अब हमने इस सारे के सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए कवर करना है ऊपर से।
3-4 मिनट के लिए इसे कवर करना ताकि इसका बहुत अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। सो व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी वो ऐड करेंगे। इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेना है। और नीचे से फ्लेम आपने लो करना है। हमारी बहुत मज़ेदार सी खूबसूरत सी भिंडी गोश्त की रेसिपी तैयार है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बन चुकी है। सो व्यूअर्स, रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप भी सेम इसी तरीके से ट्राई करें अपने अपने घरों में। और इसके साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।